दोस्तों नमस्कार। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्कॉर्पियो का फ्रंट साइड का जो बम्पर रहता है वो रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। दोस्तों पहले स्टेज में हम जब जो स्कॉर्पियो पे बम्पर रहता है वो रिमूव कर देते हैं। दूसरे स्टेज में जो लाइट वगैरह वो रहता है ना जो बम्पर पे वो रिमूव कर रहे हैं, ताकि हम अगले स्टेज में उसका कुछ इफेक्ट ना पड़ जाए। तो ऑल लाइट्स आर रिमूव फ्रॉम द बम्पर्स। इन नेक्स्ट स्टेप हम जो हॉट गन रहते हैं उसमें से हॉट एयर निकलते हैं, उसकी स्ट्राइक बम्पर पे करके बम्पर पे जो डेंट रहते हैं वो रिमूव कर रहे हैं। जब वो डेंट रिमूव हो जाते हैं उसके बाद जो बम्पर रहता है वो बम्पर फिर से गाड़ी पे फिट कर देते हैं और उसके ऊपर पॉलिश पेपर से पॉलिश पेपर मार देते हैं। और उसके बाद जो पेंटिंग का काम रहता है, पहले इन फर्स्ट स्टेज हम वो प्राइमर मारते हैं। जो प्राइमर का मेन काम रीज़न रहता है वो ये रहता है, जो अगले वाली स्टेज पेंटिंग की मारते हैं वो ग्रिप पकड़ के रहता है, पकड़ के रखता है, वो कलर रिमूव नहीं होता। उसके बाद जो स्टेज होती है वो पीएस ग्रे अप्लाई कर देते हैं। जिस जिस जगह पे डेंट हुआ है वहाँ पे पीएस ग्रे अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद पीएस ग्रे मारने के बाद जो पीयू पेंट का फर्स्ट स्टेप मार देते हैं और उसके बाद मेन कलर। इसमें पीयू कलर होने के बावजूद वहाँ पे कोई भी कोटिंग यूज़ नहीं हो जाती। दोस्तों इसके फाइनल स्टेज में आपको दिखाया जाएगा कि जो बम्पर रिपेयर होने के बाद नया वाला नया जैसा होता है ना वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको जरा भी पहचान में नहीं आएगा कि जो नया वाला रहता है और रिपेयर किया हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिपेयर किया हुआ, देख सकते हो दोस्तों ये पूरा का पूरा नया वाला जैसा नया रहता है ना वैसा आपको दिख रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब।